असा का किसान परेशान है और परेशानी का कारण है समय पर बिजली ना मिल पाना, जिसके कारण किसान सर्द रातों में सिंचाई के लिए मजबूर है। वहीं किसानों की मांगों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे परेशान किसान आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। किसान नेताओं ने बिजली निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दौसा के अन्नदाता को बिजली विभाग कैसे दे रहे हैं बिना करंट के झटके, देखिए इस खास रिपोर्ट में। किसान, जिन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है, अन्नदाता देश की वो ताकत है जिसके बल पर हम सभी को खाने के लिए अनाज मिलता है। चाहे चलचलाती धूप हो या फिर हाड़ कपा देने वाली सर्दी, देश का किसान अपनी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ता। लेकिन दौसा जिले का ये अन्नदाता बेहद परेशानी में है। परेशानी है जिले के बिजली विभाग के वे अफसर जो फील्ड में तैनात हैं। वे इस अन्नदाता को तरजीह नहीं दे रहे हैं। दौसा किसान प्रतिनिधियों की माने तो घोर लापरवाही और अनियमितताओं ने किसानों को परेशानी में डाल दिया है। प्रदेश सरकार के किसानों को दिन में बिजली देने की घोषणा की भी हवा निकाल दी है। आरोप है कि किसानों को तमाम दावों के बावजूद कड़ाके की सर्द रातों में सिंचाई करनी पड़ रही है। दौसा जिले के किसानों ने आज बिजली समस्या को लेकर के जो अधीक्षण अभियंता है उनको अपना मांग पत्र सौंपा है और उसमें कई जो समस्याएं हैं किसानों की उनको लेकर के पूरा लिखित में एक प्रपत्र दिया है। हम बात करेंगे अधीक्षण अभियंता महोदय से कि सर किस तरह का मांग पत्र उन्होंने दिया, क्या इनका हल हो सकता है, जैसे कई गंभीर मुद्दे इन्होंने बताए। भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि इनको जो एग्रीकल्चर की है बिजली वो दिन में दी जाए। तो अभी हम क्या है जो उपलब्ध है उसके अनुसार 7 दिन में 7 दिन रात के ब्लॉक के अनुसार बिजली दे रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एग्रीकल्चर के जो कनेक्शन है उसमें जो सब्सिडी दी जा रही थी उसको इनको बिलों में एडजस्टमेंट करने की जैसे पहले वाला पैटर्न था उस हिसाब से मांग की है, तो ऐसा नहीं करके अभी हम उन्होंने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो बिल जमा करा रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ जो एग्रीकल्चर के कनेक्शन है इनके जो पेंडिंग बताए इन्होंने तो उनके लिए कहा तो वो कनेक्शन हम शीघ्र ही करवा देंगे इनके। तो एक इनका ये भी आरोप है कि जैसे सरकार कहती है 72 घंटे में ट्रांसफार्मर चेंज होना चाहिए, लेकिन ये बता रहे हैं 72 घंटे में नहीं हो पा रहा। ट्रांसफार्मर हम जिनके बिजली के बिल बकाया नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, वो ट्रांसफार्मर हम 72 घंटे में बदल रहे हैं। हमारे पास सफिशियंट मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन जिनका आउटस्टैंडिंग रह जाती है तो वो बकाया राशि जमा कराने में बदला जाता है, तो उसमें टाइम जरूर लग सकता है। एक मुद्दा और उन्होंने उठाया है कि जो बिलों में जो मीटर जो है उसकी रीडिंग के बिना बिल भेजे जा रहे हैं आमतौर पर। अभी क्या है कि मीटर में जो एक्चुअल रीडिंग आ रही है उसका वेरिफिकेशन करके उसके बाद ही बिल भेजे जा रहे हैं, ऐसे इस तरह से नहीं भेजा रहे। पहले अगर किसी मीटर में रीडिंग छूटी हुई थी तो उसको जरूर चेक करके भेजे जा रहे हैं, जिसमें हमारे JEN, IEN, एक्सिन और सभी लोग चेक कर रहे हैं रीडिंगों को, और मीटर में जो रीडिंग आ रही है उसी के अनुसार बिल भेजे जा रहे हैं। तो ये है कि भाई जो किसान जो है उनकी समस्या जो है कई जो मुद्दे हैं उनको लेकर के आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द जो समस्या है उनका निराकरण करवाया जाएगा। लक्ष्मीकांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दौसा। बिजली निगम के खिलाफ किसानों ने न केवल मोर्चा खोल दिया है बल्कि मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। किसानों ने दौसा अधीक्षण अभियंता RK मीना को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। किसानों ने बिजली निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों पर किसानों को परेशान करने का आरोप भी लगाया है। किसानों का कहना है कि सरकार ने किसानों को दिन में बिजली दिए जाने का वादा किया है, लेकिन दौसा में आज भी ऐसे फीडरों की संख्या ज्यादा है जहां किसानों को केवल रात के वक्त ही सिंचाई के लिए बिजली दी जा रही है। दौसा में किसानों के कई कृषि कनेक्शन पेंडिंग हैं और किसानों की फसल सिंचाई के लिए कनेक्शन बेहद जरूरी है, लेकिन किसान कार्यालयों के चक्कर काटने को विवश हैं। इन पेंडिंग कनेक्शनों में बूंद बूंद सिंचाई योजना के कनेक्शन भी शामिल है। किसानों के बिजली बिलों के बिना मीटर रीडिंग के अंदाज से बिल भेजे जा रहे हैं, परिणाम स्वरूप किसानों को अधिक यूनिटों का बिल भेजा जा रहा है। किसानों ने कई गांव के किसानों के बिल भी दिखाए और जांच करवाने की बात की। इसकी एक वजह ट्रांसफार्मर पर लगे बिजली के मीटर हैं। किसानों को प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार दी जाने वाली बिजली बिलों की सब्सिडी की राशि को नामित उपभोक्ता के सीधे बैंक खाते में डालने से कई ऐसे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है जो साझेदारी में कनेक्शन है या मूल कनेक्शन धारक की मौत हो जाने पर पैसा नहीं मिल रहा है। किसानों को सरकारी घोषणा के अनुसार जले हुए ट्रांसफार्मर को 72 घंटों में रिप्लेस करना होता है, पर दौसा में किसानों को 72 घंटे तो दूर सप्ताह और महीनों तक ट्रांसफार्मर नहीं मिल पा रहे हैं।
इसमें भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। किसानों को दैनिक उपयोग के लिए ग्रामीण फीडरों को सिंगल फेज आपूर्ति देनी होती है, लेकिन ज्यादातर गाँवों में सिंगल फेज सप्लाई नहीं मिल पा रही है। और जबकि बिजली रात को बिल्कुल नहीं देते हैं और हर काश्तकार परेशान रहता है कि भाई बिजली नहीं है, बिजली नहीं है तो हम लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर सकते और हमारी खेती बर्बाद हो रही है, बहुत परेशानी आ रही है हमको। जैसे रात को सप्लाई की बात करती है सरकार, रात को सप्लाई देते हैं तो उसमें रात को इतनी भयंकर ठंड में 0-3 चल रहा है, 8-9 पे तापमान चल रहा है, काश्तकार कैसे जा करके खेती करेगा? एक काश्तकार की तो राजस्थान में मृत्यु भी होगी खेती के वहाँ पर। साल भर में 10,000 रुपए किसान को सब्सिडी मिलती थी, उनको अभी इन्होंने बंद कर दिया है और ऐसा धोखा दिया है कि साहब अगले बिल में जो है आपका खाते में आ जाएगा, लेकिन किसी के खाते में अब तक सब्सिडी नहीं आई। वो 10,000 रुपए साल भर की सब्सिडी देना बंद कर दिया है और अभी भी बिलों में जो है पूरा बिल दे रहे हैं और वो 10,000 रुपए की छूट इन्होंने गायब कर दी है। ये किसानों के साथ धोखा है। किसान बिजली महकमे पर परेशान करने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अधीक्षण अभियंता किसानों की समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अन्नदाता को राहत मिलती है या नहीं। लक्ष्मीकांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, दौसा।